चलिए आज हम आपको बताते हैं रेफरेंस टाइप के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने आपको पेज लेआउट टाइप के बारे में बताया था, आज हम शुरू करते हैं रेफरेंस टाइप। देखिए रेफरेंस टाइप में आपके पहले देख लेते हैं कितने आपके रिबन होते हैं। तो रेफरेंस टाइप में आपके 6 रिबन होते हैं। पहला है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, फुट नोट, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये 6 रिबन ग्रुप्स होते हैं और पहला रिबन ग्रुप्स है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। अब इसमें देखिए पहला टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में है। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इससे होता क्या है आपका, जैसे आप कोई बुक होती है तो उसमें लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज से किस पेज नंबर तक का है, तो वो हम कहाँ से बना सकते हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बना सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे ये हेडिंग है, हम यहाँ हेडिंग क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया रैम और यहाँ पर डाल दिया रूम, और फिर हमने एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया सीपीयू। ये हेडिंग डालने के बाद हमें होम टैब पे जाना होगा और इसको सेलेक्ट करना होगा। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हेडिंग वन पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग वन पर क्लिक कर देंगे। इसको हेडिंग वन पे क्लिक करिए या टू पे, यानी स्टाइल यहाँ पे आपको लगा देना है, लगा दिया। अब फिर नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं हम, यहाँ पे रेफरेंस टाइप पे। अभी हमारा देखिए जितने भी हेडिंग है सारा क्या है, पेज नंबर एक ही में है। हम क्या कर लेते हैं इसको समझने के लिए, पेज नंबर टू पे कर लेते हैं कुछ हेडिंग। ये देखिए पेज नंबर एक और पेज नंबर टू आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे जाते हैं। अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे जाने के बाद आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेंट्स आ गया कि रैम क्या है हमारा पेज नंबर एक पे है, रोम क्या है पेज नंबर एक पर है, सीपीयू क्या है पेज नंबर दो पे है। तो ये क्या हो गया हमारा टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऐड टेक्स्ट। अब इस टेबल में किस टेक्स्ट को आप ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये सीपीयू लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसको हम टेबल में हमें नहीं दिखाना है, कॉन्टेंट्स में नहीं दिखाना है, तो सीपीयू को सेलेक्ट करेंगे, ऐड कॉन्टेंट्स में जाएंगे और डू नॉट शो पर टिक कर देंगे। उसके बाद अपडेट टेबल पर जाएंगे और अपडेट एंट्री टेबल पर टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से गायब हो गया। अगर वापस लाना चाहते हैं तो पुनः फिर क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, लेबल वन या टू पर क्लिक सी पे एक पर टिक कर देंगे और टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बनाने के बाद अपडेट एंट्री कर देंगे और ये आपका शो हो जाएगा। ये आपका था टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंसर्ट फुट नोट एंड इन नोट। अब देखिए यहां पे आपका इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट फुट नोट एंड इन नोट। अब हमने आपको बताया कि इंसर्ट फुट नोट और इन नोट से होता क्या है, अगर आप किसी मीनिंग के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं। जैसे टेबल आप ये लिखा हुआ है, अगर आप किसी मीनिंग के बारे में यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, इसको हम पेज में सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है नेक्स्ट मीनिंग है, जैसे गैलरी है, या आपका लिखा हुआ है आइटम है, यानी किसी एक मीनिंग के बारे में कुछ लिखना चाहिए। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट फुट नोट पर टिक कर देंगे। तो देखिए हमारा नीचे जो डॉक्यूमेंट के नीचे नंबरिंग करके आ गया। अब ये पूछा डॉक्यूमेंट को और क्या कहते हैं, हम फाइल भी कहते हैं, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए फाइल कहाँ पे लिखा गया, नीचे, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो ऊपर देख सकते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर देखिए वन लिख के आया है, और हम अपना माउस का कर्सर जब ले जाएंगे तो ऊपर क्या लिख के आ जाएगा, फाइल आ जाएगा, देखिए आ गया। ऐसे करके हम दूसरी मीनिंग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लुक, लुक मतलब होता है देखना, लुक को सेलेक्ट किया, इसकी दूसरी मीनिंग लिखना है सी। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसकी एंटोनिम सिनोनिम यानी किसी चीज की मीनिंग के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो अगर पेज के नीचे डॉक्यूमेंट के नीचे लिखना चाहते हैं तो फुट नोट का यूज करेंगे, और इसी में अगर हम क्या करते हैं, सेम है आपका इंसर्ट एंड नोट, अगर आप डॉक्यूमेंट के नीचे लिखना चाहते हैं यानी कि लास्ट में पेज में लिखना चाहते हैं तब क्या करेंगे हम, इंसर्ट एंड नोट। अब देखिए अभी हमने सी के बारे में लिखा था, अब सी के बारे में हम आपको दिखा दें। ये देखिए सी में आ गया ना लुक का सी, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस इंसर्ट इन नोट। अब इंसर्ट इन नोट हम लगा देते हैं इसमें। अब डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया, यहां पे सी लिख दिया। अब नेक्स्ट है मान लीजिए कि इसमें होता है कोई मीनिंग और हम चूज कर लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है गैलरी।
अब आ जाते हैं इंसर्ट इन नोट पर टिक कर देते हैं, बरामदा लिख देते हैं, अब जब इस पे हम जाएंगे देखिए वन लिखा हुआ है इसमें रोम अंक में लिख के आएगी, ये क्या आता है लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट के, तो ये बरामदा आ गया। नेक्स्ट है हमारा एक और मीनिंग लिख लेते हैं यहां पर, जिसे लिखा क्विक और इसको भी हमने इन नोट कर दिया और हमने लिख दिया जस्ट, ये देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट के नीचे आ गया। और जो हमारा फुट नोट होता है वो पेज में नीचे आता है और जो हमारा इन नोट होता है वो डॉक्यूमेंट में नीचे आता है, दोनों काम सेम ही है केवल लिखने का तरीका अलग है बस। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा नेक्स्ट फुट नोट। आपने जो इन नोट और फुट नोट लगाया है उसमें आप आगे या पीछे जाना चाहे तो यहां से जा सकते हैं आ सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है प्रीवियस फुट नोट करना है, तो प्रीवियस फुट नोट पे देखिए दो नंबर पे आ गए। नेक्स्ट क्या करेंगे प्रीवियस फुट नोट करेंगे तो एक नंबर पे आ जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस इन नोट करना है तो इन नोट कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट करना है तो आप यहां से नेक्स्ट फुट नोट या इन नोट कर सकते हैं, ये देखिए। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सो फुट नोट्स, सॉरी सो नोट्स। अब आपने जो फुट नोट या इन नोट लगाया कहां पर लगाया है क्या देखना चाहते हैं, हमें पहले इन नोट देखना है तो इन नोट पर टिक करके आप ओके कर दिए, देखिए हमारा इन नोट ये लिखा हुआ है। अगर आपको फुट नोट देखना है तो फुट नोट पर टिक करके और ओके कर दीजिए, ये देखिए लास्ट वाला क्या है फुट नोट। इससे हम पता चल सकते हैं कर सकते हैं कि हमारा फुट नोट कहां पर लिखा हुआ है और इन नोट कहां पर लिखा हुआ है। तो दोनों ही हमें लगता है ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या होता है और फुट नोट्स क्या होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में क्या है, अब देखिए अगर जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी लेखक या किसी भी आप पब्लिशर के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहां से हम डिटेल ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कैसे ले आना वो हम बताते हैं आपको। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में जाते हैं तो आपका एक नया डायल एड न्यू सोर्स पे जाएंगे तो एक नया डायल लॉग बॉक्स आपका ओपन होगा जिसमें हमें क्या करना होगा क्रिएट सोर्स दिया हुआ है। अब पहला टाइप ऑफ सोर्स दिया हुआ है, किस टाइप का सोर्स आप लिखते हैं, यानी कि बुक लिखते हैं या कविता लिखते हैं क्या, तो यहाँ बुक है ठीक है। ऑथर यानी कि लिखने वाला कौन है, किसने इस बुक को लिखा है, हम लिख देते हैं पंकज ने, पंकज ने लिखा है। अभी पूछ रहा है कॉर्पोरेट ऑथर है या खुद के लिए लिखते हैं तो हम ये सेल्फ के लिए लिखते हैं। टाइटल किसके बारे में लिखते हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट कब से लिखते हैं 2020 से। सिटी किस सिटी में लिखते हैं सलोन। पब्लिशर कौन है यानी प्रकाशक कौन है, हमने डाल दिया यहां पे SBIT। स्टैंडर्ड नंबर क्या है, एक नंबर दे दिया हमने और हमने क्या कर दिया ओके कर दिया। अब देखिए यहां पर लास्ट में नीचे लिख के आ गया पंकज 2020, यानी पंकज लिखते हैं कब से लिखना शुरू किए हैं 2020 में, यानी शॉर्ट फॉर्म में उनकी डिटेल आ गई। अब मैंने सोर्स पे जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मैंने सोर्स। जब मैंने सोर्स पे टिक करते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है, जो आप लेखक या प्रकाशक के बारे में लिखते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। अब हमने पंकज के बारे में लिखा है तो पंकज जाने के बाद आप एडिट करना चाहें तो एडिट पर टिक कर देंगे, ये डिटेल आ गई। अब स्टैंडर्ड रेट जिसे हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी बदलाव करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं ओके कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर इसी में नया ऐड करना है तो न्यू पर टिक कर देंगे तो नया बॉक्स ओपन हो जाएगा, हमें नया ऐड नहीं करना है। अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एक और लिखा हुआ तो हमने इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। तो ये करके हम यहाँ से ऐड एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा आ गया यहाँ पे स्टाइल, यानी ये जो लिखा हुआ है इसके लिखने के हम स्टाइल को यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए केवल नंबरिंग आ गया आपका, अगर आप नाम भी शो कराना चाहते हैं तो देखिए नाम आ गया विथ ईयर, तो ये करके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, केवल हमारा नाम शो हो गया। तो ऐसे करके अगर हमें यहाँ पे शो कराना है तो हम यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप बिब्लियोग्राफी आ गया आपका, अगर आप चाहते हैं जितनी आपने डिटेल डाली है प्रकाशक या लेखक के बारे में पूरी डिटेल लाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आप क्लिक कर देंगे बिब्लियोग्राफी पर, ये हमारी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए।
पंकज ने लिखा है, कंप्यूटर के बारे में लिखा है, सलोन सिटी में लिखा है, बीआईटी प्रकाशक है, और कब लिखा है 2020 में लिखा है। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ से ला सकते हैं।